हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सर्दियां आने वाली हैं और कहीं जगह पे आ चुकी है, जैसे हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी आ गई है। तो सर्दियां आते ही आप लोगों को हरी हरी साग खाने में बड़ा अच्छा लगता होगा ना। हमें भी बहुत अच्छा लगता है और खाना भी चाहिए। बहुत ही स्वाद होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। तो यहाँ पे सरसों पालक का साग बना रही हूँ आज। तो मैंने, मतलब मम्मी ने काट दिया था सरसों पालक और सुबह मैंने उबालने रख दिया था। और बस आपको 3-4 सीटी लगवानी है। वैसे सभी को आता होगा बट मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर करती हूँ। तो मेरा जो साग है ना, छोटा कुकर है और ज़्यादा साग था जो कि एक साथ नहीं आया था, तो मैंने 2 बार में उबाला था। तो वही मैं अब एक ही कुकर में कर रही हूँ। तो अब क्योंकि इसको हमें घोटना है, क्योंकि साग है ना, देखो बहुत से लोग हैं मिक्सी में भी चला देते हैं, बट साग है ना, देखो हमें पालक की जैसे हम प्योरी बनाते हैं वो वैसी नहीं चाहिए होती। साग साग जैसा होना चाहिए, थोड़ा दरदरा सा होना चाहिए, फील होना चाहिए कि मतलब हाँ ये साग ही है, प्योरी नहीं बनानी हमें। तो मैं आपके पास घोटनी है तो घोटनी से घोट सकते हैं, जो लकड़ी की रई की तरह आती है। मेरे पास नहीं है तो मैं चमचे से घोट रही हूँ। तो यहाँ पे है ना, मैं कुछ बात कर रही हूँ मम्मी से, तो मम्मी बोल रही है इस तरीके से घोट, इस तरीके, क्योंकि मैं ज़्यादा जोर नहीं दे पाती हूँ हाथ से। तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके इसको घोट रही हूँ, क्योंकि पानी है थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए आराम आराम से घोट रही हूँ। तो बस इसको अच्छे से घोटना है, बढ़िया तरीके से, जिससे जो इसमें थोड़ी बहुत डंडियाँ सी होती हैं, पत्ते पड़ होते हैं, वो थोड़ा सा अच्छे से, मतलब मेल्ट जैसा फील आ जाए। तो बस आपको अच्छे से इसे घोटना है और अच्छे से चलाते हुए घोटना है, बढ़िया तरीके से। मैं तो इसी तरीके से घोटती हूँ और मैं थोड़ी सी सीटी ज़्यादा लगा लेती हूँ, तो ज़्यादा मतलब मुझे घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी एक बार हम टाइट से चमचे को अच्छे से पीसते हुए चलाएंगे ना, तो थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो देखिए मेरा जो घुट चुका है साग और मैंने उसे चढ़ा दिया है गैस पे। अब मैं आलन की तैयारी करूँगी। तो जिस भगोने में साग था ना, उसी में मैंने दो थोड़ी सी बड़ी सी चम्मच है, उनको मैंने दो आटे का डाल लिया है और 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। वैसे मैं बेसन का ही डालती हूँ बट मम्मी ने कहा नहीं आटा भी मिलाइए अब की बार, तो ठीक है मैंने इसलिए दोनों चीज़ें मिला ली हैं। और देखिए मैं इसका एक पतला सा घोल बना लूँगी। मेरे घर में हरी मिर्च ख़त्म हो गई है और मम्मी गई है यहाँ पे दुकान पे सब्जी लेने, और मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि लेट हो रहा है, इनको भी ऑफिस जाना है। तो नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि हरी मिर्च को पीस लेती हूँ और उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा मिक्स कर लेती हूँ पीसते टाइम, और उसी से ही मैं इसको घोल देती हूँ और दोनों ही मिल जाते हैं, हरी मिर्च भी मिल जाती है और आलन भी, हम इसे आलन ही कहते हैं। तो बस इसे अच्छे से घोल लेती हूँ और फिर मैं इसे साग में डाल देंगे। ये साग में डालना ज़रूर होता है क्योंकि ये ना एक बाइंडिंग का काम करता है। जो साग चितर बितर सा दिखाई देता है ना, वो आपको दिखाई नहीं देगा, एक बाइंडिंग का काम करेगा, एक जैसा लुक देगा साग को सच में, और स्वाद भी आता है, ऐसा नहीं है। तो इसे अच्छे से घोलना है जिससे इसमें गुठलियाँ ना हो बिल्कुल भी। तो आपको बढ़िया तरीके से इसे घोल के रखना है, आप चाहे तो थोड़ा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा हो गया है, मैंने साग में अभी तक कुछ नहीं डाला, इवन नमक तक भी नहीं डाला है। तो देखिए ये मेरा साग है, गैस ऑन है, मतलब स्लो पे चल रहा है, और यहाँ पे मैंने ये आलन इसके अंदर डाल दिया है। और बस सारा इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे बढ़िया तरीके से, और इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे जिससे ये आलन आटा जो ये है सब पक जाए, कच्चेपन के इसमें स्वाद ना रहे। तो इसे हम चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे, और यहाँ पे मैं इसको तड़का देने की भी तैयारी कर लूँगी साथ ही साथ। और मैं देख रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पे गुठली वगैरह दिख रही है तो उनको मैं चमचे की सहायता से पीस रही हूँ। तो इसे मंदी आँच पे मैं रख दूँगी और आप देखिए ये बंधा बंधा महसूस हो रहा है ना, आप देखिए। तो ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे तड़के की तैयारी हो गई है तो मम्मी तड़का देंगी। तो यहाँ पे मैं जीरा डाल दिया है और सरसों का तेल, मतलब में ही छोकना, रिफाइंड में मत छोकना, या घी में छोक सकते हो तो घी में छोक लीजिएगा, बट मैं सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना उसमें, और यहाँ डाला है जीरा, और इसमें ना खूब सारा लहसुन डालो, मतलब साग में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा लहसुन और हरी मिर्ची डाल दिया क्योंकि प्याज ख़त्म हो रही थी आजकल, यहाँ सब्जी वाला आने रहा, मंडी जा नहीं पा रही हूँ तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे बस ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं और इसे अच्छे से भुनने देंगे। लहसुन जब तक अच्छे से भुनता है मैं टमाटर कट कर लूँगी। यहाँ साग अभी भी गैस पे चढ़ा हुआ है क्योंकि हमें अच्छे से पकाना होता है साग को।
तो यहाँ देखिए जब तक ये होगा इतने में टमाटर कट करके इसमें टमाटर इसमें डाल रही हूँ और उसको अच्छे से चलाएंगे बढ़िया तरीके से। और इसमें अभी मैं नमक ऐड कर दूंगी कि जिससे ना ये थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। बट भैया जल्दी हो रही है, 9 बज चुके हैं, इन सब चीज़ों में टाइम बहुत लगता है। तो मैंने ना सारे ही मसाले इसमें ऐड कर दिए इकट्ठा ही कि सारे के सारे एक साथ ही पक जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं दे सकती थी कि पहले ये पकाऊं फिर वो पकाऊं, इसीलिए इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो बस मसालों में मैंने डाला है नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, यही डाला है। तो हरी मिर्च मैं पीस नहीं पाई नहीं, और वैसे मतलब कट करके डाल दी है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी तड़का दे सकते हैं। बहुत से हल्दी नहीं डालते हैं साग में, पर डालना चाहिए, रंगत अच्छी आती है, ऐसा पीली कोई सब्जी नहीं लगती है, हरी तो हरी ही रह जाती है। तो बस इनको अच्छे से मैं कवर करके रख दूंगी जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए सब्जी यहाँ पे मेरी बहुत अच्छे से मतलब मसाला जो है बहुत अच्छे से बन चुका है। बस अब इसके अंदर मैं साग ऐड कर दूंगी और बस हमारी जो साग है रेडी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर और पकाऊंगी बस इसके मसाले के साथ जिससे ये मिक्स हो जाए। कितना स्वाद लग रहा है पता है, वीडियो की एडिटिंग करते वक्त भी मुझे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। एक टाइम था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था जब मम्मी बनाया करती थी, अब मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि हर चीज़ की वैल्यू हम टाइम पे आने पे ही समझते हैं, तो उस टाइम पे तो ये सब लगता था कि क्या बकवास है, अब हमें इन सब चीज़ों की वैल्यू है कि हमें ये चीज़ें खानी चाहिए, तो वही है। तो अब मुझे बहुत पसंद आता है और बहुत अच्छे से खाते हैं सबके सब घर में। तो साग को मैं छोटी गैस पे रख दूंगी, ये थोड़ा सा खदकता रहेगा और यहाँ पे मैं बना लेंगे हम फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि नहा धो के सब आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं रोटी और तवा चढ़ाते हैं गैस पे। वैसे साग के साथ है ना मक्के की रोटी काफ़ी अच्छी लगती है, बट मुझे नहीं आती। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे की रोटियाँ। तो गरम गरम साग और रोटियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं सर्दियों के टाइम में। तो आप भी खा लीजिएगा, मैं सब इन सबको खिलाती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलूँगी सारा काम फिनिश करने के बाद। ओके हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद आप लोगों से ऐसे डायरेक्टली सामने सामने बात कर रही हूँ। तो क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया था, और थोड़ा सा है ना दिल्ली से आने के बाद बहुत सारे काम थे वो सब भी करना था। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मुझे ना ये देख रहे हैं ढेर मुझे इनकी कट ब्लाउजेज़ वगैरह स्टिच करने हैं, तो ये भी काम बहुत ज़्यादा है। बल्कि 2 ब्लाउज तो स्टिच कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको अपने मम्मी के घर वाले ब्लॉग शेयर कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इतने यही क्यों ना कर लेते हैं। बट अब फाइनली ब्लॉग्स वो वाले ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी अभी है ना मेरी चूड़ी मुल गई है, तो 1 मिनट में डाल कर आती हूँ, मैं भूल गई। तो मैं डाल आई हूँ कंगन, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि सुबह का काम करने के बाद है ना अभी फ्री हुई हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। और है ना थोड़ी सी है ना वीकनेस सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बीपी लो हो गया है, तो थोड़ा लेट काम हुआ है। तो अभी बर्तन वगैरह करके हाथ भी बहुत ज़्यादा रफ हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो है ना कुछ लगाया नहीं मैंने। तो आप लोग तो कोई क्वेश्चन करते नहीं है, सो मैंने ही सोचा कि चलो कुछ सामान मैं एक्चुअली क्या मैं अपनी मम्मी मतलब मेरी मम्मी ने मुझे क्या 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 दिया है मैं सोची थी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि मैंने इसीलिए ना ये देखिए बैग है ना, वैसे सारा सामान मैंने रख दिया था उठा के, बट जो चीज़ थी जो आप लोगों को मुझे दिखानी थी वो मैंने नहीं रखा था, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट तो मैं सुबह से ही कर चुकी थी, और साग बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा हम सबको तो बहुत पसंद आया। आपको बना के देखिएगा फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ तो चलिए मेरे को मम्मी ने क्या दिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये इस कलर का कुछ ड्यूअल शाइन वाला कपड़ा जो होता है ना धूप छांव जैसे कहते हैं, तो कुछ मस्टर्ड येलो सा ही मुझे, मैं मम्मा साड़ी दे रही थी तो वो साड़ी ना लेके मैंने सूट लिया। मैंने कहा मुझे ना सूट दे दो, क्योंकि मुझे सूट का कलर और पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद आया इसी वजह से। तो कुछ ये है, और इसके धागे बहुत निकल रहे हैं इसलिए मुझे जल्द ही इसे सिलना पड़ेगा। तो इसका जो गले का पैटर्न ये है, और लास्ट में बॉर्डर है ये वाला, क्योंकि ये ना बैग फुल भर गया था,
तो मैंने इन सब के गत्ते वत्ते निकाल दिए थे, और तो मुझे इसका गले का पैटर्न बहुत पसंद आया। आपको पता होगा मैं बहुत ही सिंपल सोबर से सूट पहनती हूँ, सो अब थोड़े से चटक मटक पहनने का मन कर रहा है। और ये इसी का सलवार का कपड़ा है, और प्लेन इसकी चुन्नी है जो, तो एक तो ये हो गया, तो मैं पहले इसे रख देती हूँ। और एक साड़ी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, और अगेन वो भी है ना कुछ इसी से ही कलर में है। हाँ ठीक है, तो वो ये भी कुछ इस तरीके की साड़ी है, क्योंकि है ना खोल खोल के हमने देखी थी ये कैसी थी, बंद पैक आई थी है, तो ये कुछ इस तरीके के, इसका ये नीचे का है और ये कुछ इसमें बॉर्डर है। डेली वेयर साड़ी है और अच्छी है, कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप लोगों को पता ही है कि मैं साड़ियाँ पहनती ही हूँ, और इसका जो ब्लाउज़ का पीस ये है, तो साड़ी कुछ इस तरीके की है। मुझे तो बहुत पसंद आई, आपको पसंद आई या नहीं आई बताना ज़रूर। और इसमें ना सॉरी उल्टी दिखा रही थी, और इसमें ये छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हुए हैं, अगर आपको दिखाई दे तो, दिख रहे है ना? ठीक है, तो ये साड़ी है, तो अभी इसे मैं फोल्ड करके रखेंगे। और बेटे के लिए ये कपड़े दिए थे मम्मा ने, मतलब वहाँ से। ये जैकेट है, और ये शर्ट है, खोल के नहीं दिखा रही मैं ऐसी, और ये जींस है, ये पूरा सेट है। तो ये हो गए, और बेटी के लिए भी ये ब्लैक कलर की पैंट है जो इस टाइप की चल रही है ना, और ये कुछ इस तरीके का टॉप है, पीछे इलास्टिक है। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे हमारे कपड़े वगैरह। तो आपको कैसा लगा, और तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना? कैसी लगी साड़ी, ऐसी लगी कपड़े, ऐसे लगी मुझे जरूर बताना। 2 दिन के लिए तो गए थे यार, और कुछ शॉपिंग भी की है, छोटी मोटी सी शॉपिंग की है करवा चौथ के लिए, क्योंकि करवा चौथ की भी तो तैयारियां शुरू हो गई हैं। और तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा ना कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करना और बताना मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें भी शेयर करूँगी जो मैं वहाँ के मार्केट से लेकर आई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, बट अच्छी लेके आई हूँ। और करवा चौथ की जो मैं साड़ी वगैरह भी लेकर आई हूँ, वो मैं कल ही लेकर आई हूँ, तो वो भी शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यही कुछ था, मम्मी के घर से तो अगर हमें एक धागा भी मिल जाता ना, वो भी अनमोल हो जाता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। ज़रूरी नहीं है हमेशा ही भर भर के मिले, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि मेरी सिचुएशन कुछ अलग है। जब कोई मम्मी के घर से बहुत मुझे अच्छे से कुछ मिलता है या कुछ भी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो चीज़। क्या बताऊँ मैं, कभी आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे आगे इन फ्यूचर, तो शायद आप तब समझ पाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे। और ये तो ज़रूर समझेंगे कि भाई मम्मी के घर से लड़कियों को जब कुछ मिलता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल होता ही है। तो चलिए, इस वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको शॉपिंग देखनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो चीज़ें देखनी है या नहीं, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं ना अगर आपको देखना ना और मैं दिखा दूँ। तो चलिए, और करवा चौथ की ऐसी तैयारियाँ चल रही हैं वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ज़्यादा कुछ तो शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत अलग चल रही है अभी आजकल, कुछ शॉपिंग नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रही है, पता नहीं कैसे जाने वाले हैं त्यौहार भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम यहाँ सोशल मीडिया पे हम खुल के नहीं बता सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ रिवील कर देते हैं, बट कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जिन्हें शायद हमें अपने घर में ही दबा के रख लेना चाहिए, वही ठीक है, बट सिचुएशन कुछ अलग है अब की बार। बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ लेने का सोचा था, बहुत कुछ करने का सोचा था, बट अब भी नहीं हो पा रहा है।
आई होप आगे नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप लोगों का साथ रहा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए फिर जब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ मेरा सपोर्ट बनिए, मेरी मदद कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में सबके साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो, और जो भी ऐसा करता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा, मैं उनका अपनी वीडियो में नाम भी लूँगी और उनका तहे दिल से शुक्रिया भी करूँगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।